हेलो स्टूडेंट, अब देखेंगे हम चौथा क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का। एक्सरसाइज चल रही है हमारी 1.1 का एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल, चौथा सवाल देखेंगे। सवाल में क्या दे रखा है हमें, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के रूप के लिए m के लिए 3m या 3m+1 का होता है हमारा। ठीक है, तो पहली बात तो हमें क्या करेंगे, यहाँ से एक धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे। सबसे पहली बात तो क्या करेंगे, धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे। तो माना धनात्मक पूर्णांक ए है, ठीक है। और हमें किस रूप का दिखाना है, हमें 3m और 3m+1। तो हमें पता है क्या होता है, ये बी होता है हमारा। तो बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर b बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा हमारा। जब b बराबर 3 हो जाएगा तो हमें पता है कि जब 3 का भाग लगाएंगे a में तो हमें नहीं पता कितनी बार गया, तो q बार गया, यहाँ पर बच जाएगा शेषफल। अब शेषफल कितना हो सकता है, यहाँ पर 3 से छोटा होगा। जी मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ तुम्हें कि हमेशा r हमेशा b से छोटा होता है, यानी 3 से छोटा होगा। तो कितना हो सकता है, 0, 1 या 2 होगा हमारा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर r के संभावित मान कितने होंगे, R के संभावित मान कितने होंगे, यहाँ पे R के संभावित मान होंगे 0, 1, 2, ठीक है। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या बोलती है कि a बराबर क्या हो जाएगा, 3q और प्लस r, यहाँ से लिख देंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे और जी प्लस r किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे फिलहाल, ठीक है। अब हम देखेंगे, पहले लेंगे हम केस फर्स्ट, क्योंकि कितने केस बन गए, 3 बन गए, 1, 2, 3। कितने केस बन गए हमारे, 3 केस बन गए, 1, 2, 3। तो पहले लेंगे हम r बराबर 0 के लिए, r बराबर 0 पर, तब यहाँ रख देंगे हम इस वाले समीकरण में, तो आर की जगह 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 3q हो जाएगा हमारा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में एक बात और बोली है कि हमें क्या करना है, पूर्णांक का वर्ग करना है। क्या करना है, पूर्णांक का वर्ग। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे हम, क्या कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा हमारे इधर, और इधर हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 9q², ठीक है। लेकिन हमें क्या फॉर्म बनानी है, 3m की फॉर्म बनानी है, 3m। तो देखो कैसे करेंगे, अभी जो q की फॉर्म में, अब m कैसे लेके आना है वो देखेंगे ध्यान से। तो ए स्क्वायर, और यहाँ से हम 3 निकाल लेंगे और 3 रह जाएगा अंदर, 3q². अब इसे हम कुछ थोड़ी देर के लिए m मान लेंगे, किसी दूसरे पूर्णांक के लिए यूज करके चलना है। तो ठीक है, माना 3q² बराबर कितना मान लेंगे, m मान लेंगे थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे m रख देंगे तो क्या हो जाएगा, a² बराबर कितना हो जाएगा, 3m हो जाएगा। जी हमें पहला पार्ट निकल गया हमारा, ठीक है, 3m हो गया हमारा। अब दूसरे में क्या पूछा हुआ है, दूसरे में अब लेंगे हम r बराबर 1 के लिए, r बराबर केस नंबर दूसरा, r बराबर 1 पर। जब r बराबर 1 करेंगे तो यहाँ पे रख देंगे 1 में, तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 3q+k1। लेकिन हमें तो स्क्वायर चाहिए, क्योंकि वर्ग पूछा है इसमें, जब पूर्णांक किसी पूर्णांक m के लिए, यानी वर्ग पूर्णांक का वर्ग करना है। तो यहाँ क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3q+1 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, 3q+1 का स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर खोल देंगे हम। तो a² फॉर्मूला होता है, a² + b² + 2ab, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो a² बराबर कितना, 9q² + और 3 × 6q हो जाएगा, 6 इधर लिख रहा हूँ, जी वाला मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, 6q और प्लस के 1। अब यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे, कितना कॉमन ले लेंगे, 3। तो a² बराबर कितना, 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 कॉमन ले लेंगे, या 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या, 3q² + 3 × 6q और प्लस के 1।
अब इसे हम थोड़ी देर के मान लेंगे, हम एम की फॉर्म कर लेंगे इसे, तो माना यहाँ लिख देंगे 3q² + k, 2q बराबर कितना मान लेंगे m लिख लेंगे, तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3m + 1, यही हमें प्रूव करके दिखाना था। ठीक है, चार के लिए इन्होंने बोला नहीं तो इसलिए करेंगे नहीं, ठीक है, सॉरी तीन के लिए, क्योंकि दो हो गया हमारा, दो के लिए नहीं करना हमें, ठीक है, इतना ही करना है बस, सॉल्व, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस तरह से इस सवाल को करेंगे।